अभी जैसे बताया कि दो मुद्दे हमारे मेन हैं, एक मुद्दा जो लीगल से रिलेटेड है उस पर लीगल तौर पर काम चल रहा है, बताया काफ़ी प्रॉम्प्ट एक्शन के साथ तो कर सकते हैं, किया जा रहा है। दूसरे मुद्दे की जो बात है, काफ़ी मेरा ये मानना है कि इस टाइप का कोई भी अगर गतिविधि होती है तो ऑफकोर्स एक्शन होना चाहिए, लेकिन प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। काफ़ी तेजी से एक्शन लिया गया, लेटर वगैरह लिखे गए, इसमें मैं यही कहूँगा कि हमारी फेडरेशन ने जो काम किया इट इज़ अप्रिशिएबल, आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद द फेडरेशन। आगे के लिए भी मेरा यही है कि जो भी एक्शन है बहुत प्रॉम्प्ट हम लोगों को लेना चाहिए। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है तो चौधरी जी, मैं आपको एश्योर करता हूँ जहाँ भी जो हमारे प्रोटेस्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर है या दूसरी जगहों पर है या सीनियर डिग्निटीज से हमको मिलने की बात है, आप प्रोग्राम दीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। मैं थोड़ा सा एक मिनट लेते हुए एक एग्जांपल दूंगा, ये इन चीज़ों का कोई अंत नहीं होता, साथियों ये स्टार्टिंग होती है, ये तो बहुत आगे बढ़ गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे साथ हुआ, कॉमन प्रोग्राम था, वहाँ एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसे कमेंट्स कर दिया, शायद हमें एड्रेस करके किया गया या हमारे ग्रुप पे एड्रेस करके किया गया कि मैं आप लोगों से डरता नहीं। थोड़ा सा आखा मैंने उनसे पूछा, सर आपको सही है, डरता भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बताइए आप, ये आपने कहा कि आप लोगों से नहीं डरता, तो यहाँ आप लोगों से आपका क्या मतलब था? बड़े जोश में थे, बड़े सीनियर अधिकारी थे, कहते हैं पूछ लेना बता दो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, ऑन द स्पॉट कहना पड़ा। अब तक काफी वहां हुजूम इकट्ठा हो गया, मैंने कहा सर पूछ नहीं लेना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप प्लीज बताइए कि हाँ आपने जो कहा है आप लोगों से इस पर क्लेरिफाई कर दीजिए। साथियों मामला फंस गया, करीब करीब चार घंटे वह शायद और कुछ नहीं हो पाया, और चार घंटे के बाद उस ऑफिसर को कम्प्लीटली माफ़ी मांगनी पड़ी। पहले उन्होंने कहा मेरे चैम्बर में ये बात करते हैं, मैंने कहा सर चैम्बर में क्यों बदतमीजी करोगे पब्लिक में, माफ़ी मांगोगे चैम्बर में किसी है भाई। खैर चार घंटे बाद उनको उसी हॉल में सबके सामने उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, वो बात अलग है कि उसके बाद मेरे ट्रांसफर वहाँ से हो चुका था दिल्ली के लिए, मेरी करीब तीन साल रिलीविंग नहीं, मुझे एक रूरल एरिया में भेज दिया गया, कोई बात नहीं चलता है, शायद उसमें कुछ बेटरमेंट रहा होगा, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में शायद उस एपिसोड के बाद पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की किसी भी घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे एक्शन को। थैंक यू।